नमस्कार, जी न्यूज लाइव्स डॉट कॉम की टीम आज पहुंची है तपोवन पहाड़। ये भक्ति प्रमाण में अयोध्या में हनुमान जी सेना को चिरे थे। शक्ति प्रमाण में हनुमान जी अपना कनिष्ठ उंगली से पहाड़ को चिरे, अपना हनुमान जी अपना रूप का दर्शन दिए माँ सीता जी को। नमस्कार, जी न्यूज लाइव्स डॉट कॉम की टीम आज पहुंची है तपोवन पहाड़। ये वही तपोवन पहाड़ है जो इतिहासों में जिक्र किया गया है। एक तरह से ये तपोभूमि है, यहाँ पे बड़े बड़े महात्माओं ने तपस्या की है। यहाँ पे रावण भी मौजूद थे, इतिहास में इसका जिक्र है। यहाँ पे बजरंगबली के भी कई प्रमाण हैं जो आज के समय में बहुत ही दुर्लभ है। चूँकि आप मेरे पीछे देखते होंगे कि पूरा पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ पे रास्ते थोड़ा अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट गाइड के तौर पे ये देखिए हमारे साथ हैं बीरेंद्र गिरी जी, और ये हमारे साथ चलेंगे। और ये यहाँ की जो पौराणिक कथाएँ हैं और यहाँ के बारे में जो जिक्र किया गया है इतिहासों में, उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं सीधे पहाड़ की ओर। अभी हम तपोवन पहाड़ के पहले पड़ाव पे हैं, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ मंदिर हैं और कुछ बंदर वगैरह जो है यहाँ पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। हमारे साथ जो गाइड नीचे से आ रहे थे बीरेंद्र गिरी बाबा, हम उनसे जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। अच्छा बीरेंद्र गिरी बाबा, बताइए कि ये जो अभी यहाँ पे हम लोग हैं, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि यहाँ पे त्रेता युग में रावण को शंभू शिव दर्शन दिए थे। स्वयं जमीन से निकले थे और त्रेता युग में रावण को दर्शन दिए थे। ये शंभू शिव यहाँ के बोलते, तपोनाथ शिव मंदिर बोला जाता है इसको, तपोनाथ शिव मंदिर। अच्छा, यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत है, तो उसका कैसे जीवन यापन चलता है? ये सर, जो कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो लोग चना वगैरह यहाँ पर बहुत सारा चना मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आदमी लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं, खिलाते हैं चना, लेकिन उसी से हनुमान जी को पेट भरता है। लॉकडाउन में तो श्रद्धालु लोग नहीं आते होंगे? लॉकडाउन में बहुत ही लोग भाग गए यहाँ से, बहुत बंदर देखते हैं सर, यहाँ कम हो गया बहुत। ऐसा सर 400-500 था, अभी उतना बंदर नहीं है, 250-300 अभी बंदर, बहुत सारे बंदर भाग गए यहाँ से भूख के। तपोवन पहाड़ की भ्रमण यात्रा के दौरान मैं और मेरे गाइड बीरेंद्र गिरी, अभी हम लोग तपोवन के एकदम लास्ट पॉइंट पे हैं, और आप मेरी आवाज़ से भी समझ सकते होंगे कि किस तरह की चढ़ाई को चढ़कर जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा दूर दूर तक जो है आपको नज़ारा दिखेगा यहाँ से। और इसके आगे अब हम लोग जो है चलेंगे एक गुफा में, वहाँ पे जो है श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी जो तप किए थे, वो भी जगह हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं यहाँ के गाइड बीरेंद्र गिरी जी। पत्थरों के बीच से, और ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जाने का रास्ता लिखा हुआ है, और शायद यही रास्ता है आगे जाने के लिए। जंगल होते हुए यहाँ से दो रास्ते हैं, ये एक रास्ते जो है सो वो पहाड़ी रास्ते हैं, बैठ के झुक के गड़बड़ होके सो के इस तरह निकलते हैं, और एक तो इधर से रास्ते हैं। अब हम देखिए आगे गाइड चल रहा है, और हम अब उसके पीछे पीछे जो है मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं। और आप देखिए कितना संकड़ा जगह है, और यहाँ से होते हुए जो है ये देखिए काफ़ी संकड़ा जगह है, और
पहाड़ के तंज रास्ते से होते हुए जो है एक गुफा के अंदर जा रहे हैं। फिर से आप देखिए सामने मेरी गुफा है, ये जो है बजरंगबली का गर्भगृह इसे कहा जाता है। और देखिए कितनी तंज जगहों पे जो है ये अवस्थित है। ये देखिए अब अंदर से तस्वीर देखिए, सामने ये देखिए गर्भगृह से बोला जाता है। चारों तरफ आपको जो है लाल लाल ही नजर आएंगे और यही बजरंगबली का गर्भगृह है। और यहाँ पे एक पुजारी भी सामने बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे थोड़ा सा क्या है यहाँ की महत्ता। फिलहाल बहुत ही तंज जगह है। ये देखिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिगंबर कुमार दुबे है। यहाँ की महत्ता के बारे में कुछ बताइए। यहाँ का हमारे हनुमान जी का ये गर्भ गुफा है, यहाँ लोग कहता है कि नहीं हनुमान जी यहीं तपस्या करके निकले थे, यहाँ से साधना यहीं किए थे, यहीं से पहाड़ फट के निकले हैं। यहाँ फिर लोग आते हैं दर्शन करने? हाँ हाँ दर्शन करने सभी। लॉकडाउन में कैसा स्थिति था? लॉकडाउन में दो चार यही गाँव होता है अगल बगल से कहीं से कहीं लोग आ जाता है कुछ ना कुछ। इसके आगे क्या मिलेगा? इसके बाद हनुमान जी का मंदिर है जो सीता मैया उनमें दाग दिए हैं 11 बार श्री राम बोल के, ये हनुमान जी और दोनों पहले भाग में फटा है, दोनों तरफ लगेगा कि नारी मशीन से काटा हुआ है भैया, उनमें मूर्ति बनाया गया नहीं, अद्भुत मूर्ति है। अच्छा तो आप यहीं पर रहते हैं? हाँ अभी तो यहीं रहते हैं, पहले बालानंद आश्रम में नीचे रहते थे, वहाँ भोग बनाते थे, अब हम नहीं सकते हैं बीमारी के कारण, तो यहाँ आ गए हनुमान जी का मंदिर में, उतना तकलीफ नहीं पड़ता, यहाँ बैठ जाते हैं आके। चलिए ये थे यहाँ के पुजारी जो शरीर से शायद अस्वस्थ हैं, तो हार्ट के पेशेंट हैं, फिर भी इस पहाड़ पे चढ़ के जो है ये बजरंग बली की सेवा यहाँ पे करते हैं, दिन भर यहीं बैठे रहते हैं। अब चलिए मैं आगे आपको लिए चलता हूँ, आगे बहुत ही तंज रास्ते हैं, मैं आगे का कैमरा ऑन करता हूँ। अब हम पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, पहाड़ के दूसरी तरफ, और काफ़ी दुर्गम रास्ता है और हम उसे भी देखेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे उसका। फिलहाल यहाँ पे कुछ बेचने वाले लोग हैं जो प्रसाद के रूप में जो है बजरंग बली का चढ़ावा बेच रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इस चीज़ को ख़रीद करके और फिर जो है बजरंग बली की पूजा अर्चना यहाँ पे करते हैं। ये देखिए लाल धागा और एक तस्वीर भी है यहाँ पे, जिसमें आपको वो जगह दिखाई देगा जिसे पत्थर को चीर कर जहाँ पर बजरंग बली के दर्शन हुए थे। यहाँ पे देखिए दुकानदार लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कैसा चल रहा है कमाई धमाई? चल रहा है हल्का फुल्का धीरे धीरे। अच्छा लॉकडाउन में क्या हो रहा है? लॉकडाउन चुपचाप था, कोई लोगे नहीं। अभी लोग आ रहे हैं? हल्का फुल्का अभी पूरा नहीं आता है, और कमाई धमाई जो है बजरंग बली भरोसा है वही सबको चला रहा है कम बेसी करके, जितना खर्चा बढ़ता है वही देने वाला सबको है, कि देगा वही सब हम लोग यही देते हैं, वही लोग का ठगते हैं क्या करेंगे। चलिए अब हम बिल्कुल उस जगह के करीब हैं जहाँ पे बजरंग बली के दर्शन हुए थे। मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, काफ़ी छोटा रास्ता है, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहाड़ी रास्ता है तो काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए अब हम उस जगह के करीब हैं एकदम सामने, देखिए मेरे पीछे देखिए किस तरह से जो है झंडा और पताका जो है यहाँ पे लहरा रहा है, और बजरंग बली के प्रमाण जो यहाँ पे पत्थर फाड़ करके बजरंग बली निकले थे उसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। ये देखिए ये जो है आप यहाँ पे अंदर में जो है
बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे पत्थर फाड़ के निकले हैं और इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है यहाँ के जो गाइड हैं और इस बजरंगबली के मंदिर के जो पुजारी हैं वीरेंद्र गिरी जी, जो एकदम मतलब शुरुआती से ही हमारे साथ आ रहे हैं, हम उनसे अभी बात करते हैं। देखिए हमारे सामने ये हैं विजेंद्र गिरी जी, जो यहाँ के पुजारी भी हैं और पहाड़ के गाइड भी हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ के बारे में आप। यहाँ के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे रावण दोबारा तपस्या किए थे, वही तपस्या को हनुमान जी भंग किए थे। माँ सीता जी, राम लक्ष्मण जी वनवास के टाइम में सभी तब उनको भ्रमण किए थे। यहाँ पे जब आए माँ सीता जी, राम लक्ष्मण जी शक्ति प्रमाण खोजे, भक्ति प्रमाण में अयोध्या में हनुमान जी सेना को चिरे थे। शक्ति प्रमाण में हनुमान जी अपना कनिष्ठ उंगली से पहाड़ को चिरे, अपना से हनुमान जी अपना रूप का दर्शन दिए माँ सीता जी को। भाई माँ सीता जी खुश होकर वरदान दिए कि हनुमान जी आज से तुम्हारा नाम चार जगह मरेंगे, यहाँ पे आपके मंदिर में जो भी कुछ लोग कामना करेंगे उनका कामना पूरा होगा। इसलिए बहुत लाखों करोड़ों के यहाँ पे मन्नतें पूरा हुआ, रोज यहाँ पे हनुमान जी उनको बुलाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार, jnewslives.com की टीम आज पहुंची है तपोवन पहाड़। ये भक्ति प्रमाण में अयोध्या में हनुमान जी सेना को चिरे थे। शक्ति प्रमाण में हनुमान जी अपना कनिष्ठ उंगली से पहाड़ को चिरे, अपना से हनुमान जी अपना रूप का दर्शन दिए माँ सीता जी को।